ब्लड शुगर बढ़ रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी जान तक जा सकती है। पटना बिहार से पुरुषोत्तम सिंह की रिपोर्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर पर ध्यान नहीं देते। यह बढ़ा हुआ ब्लड शुगर घातक हो सकता है जिससे आपकी जान तक जा सकती है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज आपके कई अंगों को बर्बाद कर देगी और ऐसी स्थिति में आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर समय समय पर आप अपने ब्लड शुगर की जांच कराते रहते हैं तो आप डायबिटीज के प्रति जागरूक रहेंगे जिससे कि आपके कई अंगों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उक्त बातें आस्था फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वॉक फॉर लाइफ डायबिटीज जागरूकता अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में यह रहे सैकड़ों महिलाओं एवं बच्चियों युवाओं को संबोधित करते हुए मशहूर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने कही। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान तेजी से फैलने का डर रहता है, अतः आपको सचेत रहने की जरूरत है। महिलाएं जैसे ही गर्भ धारण करती है उन्हें हमेशा अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए जिससे कि पता चल सके डायबिटीज है या नहीं। संस्था के सचिव पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि आस्था फाउंडेशन हमेशा गांव गांव शहर के सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज कितना खतरनाक होता है मुद्दे पर जागरूक कर रही है। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को फल देकर यह आग्रह किया गया कि आप हमेशा फल का सेवन किया करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में वंदना जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। फॉर लाइफ, बच्चा लोग जोर से बोलो, वॉक फॉर लाइफ, बोलो वॉक फॉर लाइफ, 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 बोली बोली बोली, फॉर लाइफ, वॉक फॉर लाइफ, वॉक फॉर लाइफ। शुगर अगर किसी को हाई है, बढ़ा हुआ है, आलू चावल चीनी मीठा उसको नहीं खाना होता है, कोई मीठा चीज, और साथ ही साथ पैदल चलना टहलना घूमना करना होता है, और उसके बाद भी अगर शुगर बढ़ा हुआ है दवाई खाना है। 300 से ऊपर बहुत ज्यादा शुगर है, अगर आप नहीं कंट्रोल पर रखिएगा तो अंग आपका भंग कर देगा। अगर 200 से ऊपर शुगर रह गया अंग को भंग कर देगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो बहुत गलत से आपका हो रहा है, आपका आगे चल करके बहुत घाटा कर देगा आपको। आप पूरा दवाई का पावर बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल एक व्यक्ति ऐसे